राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। परिवेश अगर स्वच्छ हो तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हम सहज अनुभव कर सकते हैं। ये ऊर्जा हमारे कार्यों को असाधारण उत्कृष्टता के स्तर तक ले जाने की क्षमता रखती है। स्वच्छता जहां हमें एक ओर आरोग्य की राह पर ले जाती है, वहीं खुशहाली और संपन्नता से जीवन में मुस्कान बिखर जाती है। एक स्वच्छ, सुंदर और निरोग भारत के गांधी जी के स्वप्न को साकार करने का बीड़ा उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2014 में स्वच्छ विद्यालय पहल की शुरुआत की। उद्देश्य रखा गया कि विद्यालयों में स्वच्छ परिवेश तैयार हो, बालक और बालिकाओं के लिए पर्याप्त संख्या में व्यावहारिक शौचालय हों, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो, विद्यार्थी साफ सफाई को अपनी आदत बनाएं और स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक हों। मंत्रालय ने विद्यालयों को इस दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की है। विद्यालय बच्चों के स्वास्थ्य, उनकी उपस्थिति और सीखने की प्रक्रिया में गति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल में सीखी गई बातों को छात्र अपने घर परिवार, मोहल्ले और गांव तक ले जाने में संवाहक की भूमिका निभा सकते हैं। स्वच्छता को लेकर उनकी सोच भविष्य में उनके व्यक्तित्व को नए आयाम दे सकती है। इन्हीं लक्ष्यों को सामने रखकर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत हुई है। द्वीप समूह में शिक्षा सचिव श्रीमती तन्वी गर्ग के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से विद्यालयों ने स्वच्छ विद्यालय अभियान में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। इस प्रतियोगिता में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल भाग लेते हैं। प्रारंभ में स्कूल को निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन भेजना होता है। ये कार्य मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके भी उसके माध्यम से किया जा सकता है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयों का चयन अलग अलग स्तरों पर होता है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2016 मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई एक नई पहल है। विद्यालय में स्वच्छता बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय मिशन के अंतर्गत सभी विद्यालयों में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होना आवश्यक है। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय के उद्देश्य को पूर्ण रूपेण सफल बनाने के लिए एवं उन विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए जिन्होंने स्वच्छता के विषय में अच्छा कार्य किया है, इस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की गई है। विद्यालयों का स्वच्छता मूल्यांकन 5 मानकों के आधार पर होता है। ये मानक हैं: स्कूल में उपलब्ध पानी की व्यवस्था, व्यावहारिक शौचालय, साबुन के साथ हाथ की सफाई की व्यवस्था, कार्यप्रणाली और रखरखाव, आदतों में सकारात्मक बदलाव और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन। मंत्रालय की ओर से इन सभी पहलुओं से जुड़े प्रश्नों के जवाब विद्यालयों को ऑनलाइन भेजना होता है। इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर विद्यालयों को अंक देकर उनकी रेटिंग की जाती है। 90% से अधिक अंक पाने वाले स्कूल की रेटिंग हरी होती है, यानी बेहतरीन। 75 से 89% अंक अर्जित करने वाले स्कूल नीली रेटिंग पाते हैं, यानी बहुत उत्तम। 51 से 74% के अंक वाले पीली, यानी संतोषजनक लेकिन सुधार की गुंजाइश। 35 से 50% अंक वाले नारंगी रेटिंग पाते हैं, यानी सुधार की ज़रूरत। और 35% से कम अंक वाले विद्यालय लाल रेटिंग, यानी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत का दर्जा पाते हैं। ज़मीनी स्तर पर वास्तविकता के मूल्यांकन के लिए 2 स्तरों पर समितियां होती हैं। ज़िले के उपायुक्त के नेतृत्व में ज़िला स्तरीय समिति होती है, जो विद्यालय का दौरा कर 5 मानकों का मूल्यांकन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। शिक्षा सचिव के नेतृत्व में राज्य स्तरीय समिति मूल्यांकन करती है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए जिला स्तर पर कुल 22 विद्यालयों ने द्वीप समूह में आवेदन किया था। मानकों की कसौटी पर खरे उतरने वाले दक्षिण अंडमान और मध्योत्तर अंडमान से कुल 12 स्कूल योग्य पाए गए। ग्रामीण, प्राइमरी और मिडिल के वर्ग में
चार विद्यालयों ने सफलता पाई। शहरी इलाके के स्कूलों के वर्ग में हेडो प्राइमरी स्कूल ने नीली रेटिंग प्राप्त कर बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि शहरी इलाके के सेकेंडरी स्कूल के वर्ग में बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ने नीली रेटिंग अर्जित कर अपने परिसर में स्वच्छता के स्तर को सुनिश्चित किया। इसके अलावा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत कई मानकों के उपवर्गों का भी जिला स्तर पर मूल्यांकन किया गया। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत कुल 7 विद्यालयों को नीली रेटिंग प्रदान की। किशोरावस्था के समय छात्राओं को मनोवैज्ञानिक दौर से गुजरना पड़ता है। परिवार और समाज की रूढ़िवादी सोच से स्थिति और मुश्किल भरी हो जाती है। विद्यालय में विशेष सुविधा नहीं होने से छात्राएं स्कूल आने से कतराने लगती हैं। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पढ़ाई प्रभावित होती है। स्कूल में ही सिखाते हैं ना, गंदा खाना मत खाओ, जर्म से बचो, क्योंकि बीमार पड़ गए तो स्कूल मिस हो जाएगा। पर अगर बीमार पड़ने की वजह ही स्कूल हो तो इंटरेस्टिंग ना। यही हाल था कुछ साल पहले। स्कूल काफी गंदा हुआ करता था और टॉयलेट पूछो ही मत। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, लड़कों के लिए बात ही अलग होती है, पर कोई नहीं समझता एक गंदे टॉयलेट के साथ लड़की की क्या दिक्कतें हो सकती हैं। सीट पर बैठने का डर, पूरे दिन रोक के रखना, महीनों के उन दिनों किसी तरह एग्जाम लिखना, और जिस दिन मैंने हिम्मत करी, इन्फेक्शन, बीमारी, नो स्कूल। एजुकेशन के लिए सिर्फ एक साफ क्लासरूम जरूरी नहीं होता है, एक साफ टॉयलेट भी जरूरी होता है, क्योंकि हम सिर्फ स्कूल जाते नहीं, हम वहां जीते भी हैं। विद्यालय में छात्राओं के लिए अब ध्यान दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के साथ अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को भी जोड़ा गया है। विद्यालयों में एक विशेष कक्ष होगा जिसमें किशोरी छात्राओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वे बिना हिचकिचाहट अपनी शिक्षिका के मार्गदर्शन में इनका उपयोग कर सकेंगी। पोर्ट ब्लेयर के बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में इसी प्रकार का एक कक्ष तैयार किया गया है और किशोरी छात्राएं निःसंकोच इस चेंजिंग रूम का उपयोग कर रही हैं। बच्चे देश के कर्णधार हैं, ये देश के मानव संसाधन हैं। स्वच्छता के मूल्यों का विकास कर हम इन्हें एक सुरक्षित और सुखद भविष्य की ओर ले जाने के दायित्व का निर्वाह करें, यही अपेक्षा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की पहल के तहत विद्यालय प्रशासन से की जाती है और विद्यालय भी स्वच्छ भारत अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ अपनी भूमिका को लेकर संजीदा है।